नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो आज छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। सोमवार सुबह ईडी के अधिकारियों ने भिलाई बालोद में कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी थी। भिलाई के पदमन नगर स्थित पटाखा कारोबारी और धिंगानी फायर वर्कर्स के संचालक सुरेश घिंगानी के घर पर ईडी ने सुबह 6 बजे छापा मारा। वही बताया जा रहा है कि ईडी की 2 से 3 टीम धिंगानी निवास पहुंची थी। सुरेश धिंगानी के घर पर वो नहीं मिले, जिसके बाद ईडी की एक टीम उनके बेटे बंटी धिंगानी को लेकर के शहर में निकल गई। वही निवास और दुकान में ईडी की जांच अभी भी जारी है। समाज में बेटियां आज बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वो बेटियों को खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिले। बेटियां समाज का गौरव है। ये बातें बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा व्यक्तित्व विकास और सकारात्मक परिवर्तन विषय पर आयोजित एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम में अरुण कौशिक क्षेत्रीय समन्वयक युवा प्रभार प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और बिलासपुर ने मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जिस दौरान उन्होंने ये सारी बातें बताई। वन नेशन वन कार्ड की सुविधा राशन दुकान संचालकों सहित हितग्राहियों के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत कोई भी कार्ड धारक किसी भी दुकान से राशन ले सकता है। शासन के निर्देश पर दुकान संचालक भी हितग्राहियों को राशन का वितरण कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से कुछ दुकान संचालकों को दिया गया 1 महीने का राशन मात्र 2 दिनों में ही खत्म होता जा रहा। इतना ही नहीं, दूसरे कार्ड धारकों को राशन देने के बाद अतिरिक्त आवंटन की मांग करने को लेकर के भी दुकान संचालकों को राशन नहीं दिया जा रहा। साथ ही 75% वितरण के बाद ही राशन का आवंटन देने की बात कही जा रही, लेकिन सारा सिस्टम ऑनलाइन होने के बावजूद और राशन खत्म होने के बाद भी मॉड्यूल में राशन शेष दिख रहा है, जिसे महीने की 10 तारीख के बाद अपडेट करने को लेकर के बात कही जा रही है। लेकिन उससे पहले ही सारी की सारी जो भी राशन वहां पर दिया गया था पूरे 1 महीने का, वो बस 2 दिनों में ही खत्म हो गया है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट और जिला दंडाधिकारी बिलासपुर अवनीश शरण ने एसपी संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। तीनों बदमाश 6 महीने तक जिले की सीमा से बाहर रहेंगे। इसके अलावा वो कोरबा, जांजगीर, चांपा, मुंगेली, गौरेला, पोंड्रा और मरवाही बदौला बाजार जिले की सीमा में नहीं आ सकेंगे। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के लिए बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।